Hello friends, myself Yudhi. Hello friends, myself. Welcome to our show. आज हम करने वाले हैं समय का सदुपयोग का एक छोटा सा एक्ट जिसमें मैं बनी हूँ घड़ी, मेरा भाई बना है लेजी बॉय आलसी लड़का और मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बने हैं टीचर। तो बने रहे हमारे साथ समय का महत्व। मेरा तो वक्त ही खराब है, आपने ये वाक्य कई लोगों के मुंह से सुना होगा, मगर इसमें मेरा क्या कसूर? क्या मैंने किसी को कोई काम करने से रोका है? अगर आपका कोई कीमती सामान आपको वक्त पर नहीं मिला तो उसमें मेरा क्या कसूर? अगर किसी की ट्रेन छूट जाए, किसी की नौकरी ना मिले, किसी के एक्सीडेंट हो जाए या कोई अप्रिय घटना घट जाए तो उसमें मेरा क्या कसूर? ऐसा क्यों? शायद कि वक्त कभी मुड़ कर कभी जवाब नहीं देता, इसलिए ना ही कभी पूछता है कि मुझ पे ये दोषारोपण क्यों? मैं आपको एक एड के थ्रू बताऊंगी कि अगर वक्त भी बोलता तो क्या होता। श्लोक देखो, शाम के 7 बज रहे हैं, चलो उठ के पढ़ाई कर लो, तुम्हारा पढ़ाई का समय हो गया है। नहीं, मैं टीवी देख रहा हूँ। मैं वो तू एक गली है, काम है टक टक करना, वैसे मैं मत बोला कर, मैं अभी टीवी देख रहा हूँ। तो एक गली है इधर, जा क्या अब मैं काम करूँ। श्लोक, रात के 11 बज रहे हैं, जाओ और जाके सो जाओ, कल तुम्हें जल्दी उठकर स्कूल जाना है। मैं अभी मोबाइल में खेल रहा हूँ, मैं तो थोड़ी देर से सोऊंगा, तुम जाओ अपना काम करो। मैं कानी मैम। ये क्या है रोज रोज लेट आने का, जाओ जाके मुर्गा बनो। ठीक है मैम। लोग इधर आओ। अच्छा मैम। ये लो अपना रिपोर्ट कार्ड, इस साल तुम फिर से फेल हो गए, जाओ घर में बैठो, आराम करो, खेलो कूदो, मौज करो। ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता, बहुत आलसी है, बहुत अलाल है, पढ़ाई नहीं करता है। अगर इसने समय का महत्व नहीं समझा तो ये जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी परीक्षा पास में आ रही है, तुम पढ़ाई करो, मगर तुम सुनते नहीं, आखिरकार तुम्हारे एग्जाम में 0 मार्क आ ही गए। ये मेरी गलती नहीं है, समय ही खराब है, मैं क्या करूं? मैं कमिंग मैन। क्या इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ। अभी तो समय निकल गया है। मैं सही टाइम में निकलता, मगर बहुत टैक्सी था, मगर फिर मैं लेट हो गया। अभी एक टाइम दो, सही में आपको पास होकर दिखाऊंगा। ठीक है, लीजिए इंटरव्यू स्टार्ट कर लीजिए। मैं पी लीजिए मेरा। आपके मार्क्स बहुत कम आए हुए हैं, आपसे भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं आपको नौकरी नहीं दे सकती, सॉरी। नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए। मैंने कहा था तुम्हें कि समय का महत्व समझो,
अगर तुमने समय का महत्व नहीं समझा तो तुम जिंदगी में हमेशा रोते रहोगे, तुम दुखी रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ोगे। से यह शिक्षा मिलती है कि समय का महत्व समझिए और समय पे दोष न डालिए, समय का सत उपयोग करिए। जैसे श्लोक के साथ हुआ है वैसा और कभी किसी के साथ न हो। तो प्लीज समय का महत्व समझ के अपना काम करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना, कमेंट भी कर देना हाँ। तो के लिए बाय।